क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 24 जुलाई को शाम 4:02 से 6:44 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अगस्त को सुबह 6:48 से 9:14 तक और दोपहर पहले 11:30 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 तारीख को सुबह 8:39 से दोपहर पहले 11:57 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जुलाई की सुबह 5:39 से दोपहर पहले 11:57 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शाम 5:44 से 6:47 तक और रात 8:30 से 12:57 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 तारीख को सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:54 तक और दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 जुलाई को सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:54 तक और दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 2:38 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह और कर्क राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।